प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारत के सामान्य ज्ञान के बारे में। आपको बताएंगे भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन सा पूर्वी राज्य है, कौन सा पूर्व पश्चिमी राज्य है, कौन सा उत्तर राज्य है, कौन सा दक्षिण राज्य है, आपको सभी बताएंगे। तो देखो, यह भारत का मैप है। क्या है? भारत का मैप। तो देखो, ये है सभी क्या है राज्य। क्या है? राज्य। और आज की स्थिति में देखें तो आज है कितने, 28 राज्य और 8 कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये है क्या है आज की स्थिति, मतलब कितने राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने 8। तो देखो, ये है क्या, यहाँ पर है उत्तरी बिंदु, दिशा सब जानते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जो उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंद्राकोल। क्या है? इंद्राकोल। जो दक्षिण बिंदु है, ये मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु भारत की का क्या है, कन्याकुमारी। और जो अगर भारत का दक्षिण बिंदु पूछे तो क्या है, पार्सन पॉइंट। क्या? इंद्रा पॉइंट, इसे क्या कहते हैं, इंद्रा पॉइंट। जो कहाँ है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। और जो पूर्वी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु किबिथू, जो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और जो पश्चिम बिंदु कौन सा है, यह है गुजरात में, गुजरात गौर माता। ठीक है, यह लद्दाख, वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये हैं कि 28 राज्य और उसमें क्या है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, और जो पूर्व राज्य, इसको सेवन सिस्टर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सातों राज्यों को क्या कहते हैं, सेवन सिस्टर। क्या कहते हैं इनको, सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये मैप है। और जो है क्या है, श्रीलंका। और यहाँ क्या है, रामेश्वरम। क्या है, रामेश्वरम। और जिसकी लंबाई कितनी है, कितनी है, 3214, 2933 किलोमीटर। और यहीं से क्या गुजरती है, कर्क रेखा। कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से। और 5 राज्यों से क्या गुजरती है, ग्रीनविच टाइम। मतलब भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ये अपन का मैप है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, आप इसको आसानी से याद कर लेना।